यस हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ नहीं है, बस एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इस तरह से बहुत सारी हम जो है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो इस तरीके से होता है, टॉप डाउन। मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एग्जीक्यूट होते जाएंगे सारे स्टेटमेंट्स। लेकिन कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसका रिजल्ट जो है, जिसका आउटकम जो है, वो हमें पता चलेगा रन टाइम पे कि भाई ये कंडीशन सही है या गलत है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जब हमें ये पता चलेगा रन टाइम पे, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो अगर हम इस तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमें इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इसको ये चेंज कर देता है, ठीक है। इनको कई बार ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम इनको ऐसे सीधे सीधे हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर दो या तीन या मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं और हमारे प्रोग्राम में कई सारे रास्ते आ जाते हैं और हमें उन रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। तो इनको, इनमें जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो है, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स, nested if else, else if chain and switch case, ये इसके examples होते हैं C++ में, ठीक है। तो इस particular video में हम simple if और if else को cover करने वाले हैं, बाकी के जो statements हैं वो हम अगले video में cover करेंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले videos भी आप easily देख सके, ठीक है। आप देखिए, आपको जितने भी स्टेटमेंट्स आगे जो है, जैसे हम लोग पूछते हैं हमेशा कि प्रोग्रामिंग को करने की क्या स्ट्रेटजी है, तो एक सिंपल सा रूल है SWE। इसमें क्या है, किसी भी स्टेटमेंट का प्रोग्राम में आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, फिर आपको उसकी वर्किंग समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप उसका एक एग्जाम्पल देखिए कि वो आखिर प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। इतना करने के बाद में, ठीक है, आपको अच्छे से वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि सिंपल इफ, इफ एल्स, जो भी स्टेटमेंट है, आगे जाके हम लूपिंग स्टेटमेंट भी पढ़ने वाले, तो आपको इन तीनों चीजों पर फोकस करना है। किस पर? SWE। ये एक है SWE स्ट्रेटजी। इसके बाद आपको बहुत सारा PIY करना है। PIY क्या है? प्रैक्टिस इट योर सेल्फ। तो पहला नंबर स्टेप जो है आपका SWE और दूसरा PIY, ठीक है। बस यही दो स्टेप का फॉर्मूला है सिंपल सा, और इससे आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले सिंपल इफ का सिंटेक्स। तो सिंटेक्स होता है इफ, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इफ की कंडीशन इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पर इसका स्टेटमेंट आ जाएगा जो कि हमें इसके साथ में एग्जीक्यूट करना है। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहाँ पर ये समझिए कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी हम इस इफ के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स जोड़ना है तो हमें इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा, जिससे हम इसे बाकी के प्रोग्राम से इसको सेपरेट कर सके और ये हमारे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बन जाएगा। अब रही बात दूसरी कंडीशन की, तो कंडीशन में आप एक रिलेशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, या फिर आप कोई एक बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे आप दे सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इस तरीके से हम इसको पैरेंथेसिस में इंक्लोज करके दे सकते हैं, या फिर कोई बुलियन वैल्यू हो सकती है। बुलियन वैल्यू के बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अल्टीमेटली हमें ये भी पता है कि रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलना ट्रू या फॉल्स ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम इस कंडीशन को सबसे पहले जो है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, एज सून एज ये इफ इनकाउंटर होता है, जैसे ये इफ आएगा तो सबसे पहले नंबर वन इस कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। फिर इस कंडीशन के दो ऑप्शन है, या तो ये ट्रू आएगी या तो ये फॉल्स आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये ट्रू आती है तो हम ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक, और फिर अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना।
लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स आई, खुदा ना खास्ता ये कंडीशन फॉल्स आ गई, तो फॉल्स आने में हमें क्या करना है, बस ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक जो है इसको स्किप कर देना है। यहाँ पर कोई भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये छूट जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, और उसके बाद सीधे कंट्रोल ये जंप करके जो इफ के बाद पहला स्टेटमेंट लिखा होगा उसको ये एग्जीक्यूट करने लगेंगे एज इट इज। अंडरस्टैंड? तो दिस ये जो है इसका ये बेसिस है। ठीक है, अब हम इसको जो है क्या करते हैं, हमें वर्किंग समझ में आ गई है और सिंटेक्स भी समझ में आ गया है, तो हम फटाफट से एक इसका एग्जाम्पल या इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम एक फटाफट से इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे नम। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो पॉजिटिव है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर। तो ये हमने बोला एंटर अ नंबर, और फटाफट से हम इसको सी इन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा नम। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। तो हमने बोला इसे इफ नम इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं सिंगल ही स्टेटमेंट दे रही हूँ लेकिन कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि मैं इसको मतलब अलग से आपको ये दिख जाए। ठीक है, आप जो है कर्ली ब्रेसेस, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दें नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, और एक स्टेटमेंट हम इसके बाहर लिखेंगे इफ के, जिसको हम देंगे सी आउट, और यहां पर हम देंगे इसको नंबर। ठीक है, नंबर हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो लेट्स तो एंटर नंबर, पहले मैं इसमें एक पॉजिटिव नंबर एंटर कर रही हूँ 56, और ये देखिए आ गया आउटपुट, नंबर इज पॉजिटिव 56। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग रन करते हैं, और इस बार हम इसमें नेगेटिव नंबर देके देखते हैं। तो नेगेटिव नंबर दिया है -89। ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ -89 प्रिंट हुआ है, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्किप हो गया है, नंबर इज पॉजिटिव ये बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद के स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे, इसके ऊपर के स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे। अंडरस्टैंड? ठीक, तो चलिए अब हम इसके बाद में देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पर हम एक, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, अदरवाइज वो चीजें एज इट इज रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, एक ये हो गए और एक एल्स ब्लॉक में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। अगेन हमारी कंडीशन जो है वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये सारा पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल बाहर। तो इसका मतलब है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, जबकि ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब कंट्रोल अगर फॉल्स है तो सीधे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में कंट्रोल बाहर चला जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बेसिकली ये एक हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगर ट्रू है तो हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स है तो हम दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रू में इफ वाले ब्लॉक का और फॉल्स में एल्स वाले ब्लॉक का, और फिर बाद में एज इट इज हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स की बात हो गई। एल्स में आप ये ध्यान रखिए, एल्स में आप कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, कंडीशन हम इफ के साथ ही देते हैं। ठीक है, तो एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आती। ठीक, तो चलिए हम इसका भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने नंबर यहाँ पर इनपुट कराया था, तो इस बार हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं,
कि हम नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर कैसा है, इवन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर इज इवन, ठीक है। और अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपली कर देते हैं एल्स, क्योंकि अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये प्रिंट हो जाएगा ऑड। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो अब एक नंबर हम एंटर करते हैं, तो सबसे पहले मैं एंटर कर रही हूं 28, नंबर इज इवन एंड 28 एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये जो सी आउट नम है वो तो बाहर है, तो वो तो हर कंडीशन में प्रिंट होना ही होना है, ठीक है। एक बार और करते हैं, इस बार हम ऑड नंबर डालेंगे, तो ऑड नंबर मैंने डाल दिया 3 सपोज, तो ये देखिए नंबर इज ऑड एंड 3 इज प्रिंटेड, ठीक है। तो इस तरीके से इफ एल्स है, और अगर आपको ये दोनों प्रोग्राम और ये दोनों कंस्ट्रक्ट इफ और एल्स समझ में आ गए हैं, तो आप लाइक का बटन ईमानदारी से प्रेस कर दीजिए, ठीक।